तीसरे वनडे में भारतीय टीम की शानदार जीत। जी हाँ, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए तीसरे और आखिरी वनडे मुकाबले में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को चारों खाने चित कर दिया। एक वक्त लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया की टीम ये मैच जीत जाएगी, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने ऐसा कमाल दिखाया कि ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के सामने टिक नहीं पाए और ऑस्ट्रेलिया का क्लीन स्वीप का सपना सपना ही रह गया। आपको बता दें, भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के सामने 303 रनों का लक्ष्य रखा था। टीम इंडिया की शुरुआत खराब रही। धवन 16 रन, शुभमन गिल 33 रन बनाकर आउट हो गए। कप्तान कोहली ने 78 गेंदों में 63 रन बनाए। तारीफ करनी होगी हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा की, जिनके दम पर टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के सामने 303 रनों का लक्ष्य रख पाई, जिसमें हार्दिक पांड्या ने 76 गेंदों में नाबाद 92 रन, जडेजा ने 50 गेंदों में 66 रन की धमाकेदार पारी खेली। इसके बाद 303 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम की शुरुआत खराब रही और मात्र 7 रन बनाकर लवुशा ने आउट हो गए। कप्तान एरन फिंच ने 82 गेंदों में 75 रन की अहम पारी खेली, लेकिन वो भी अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके। स्टीव स्मिथ, जिन्होंने दो मैचों में लगातार 2 शतक जड़कर तहलका मचा दिया था, आज वो भी टीम इंडिया के सामने बेबस नजर आए और मात्र 7 रन बनाकर आउट हो गए। उसके बाद नंबर आता है ग्लेन मैक्सवेल का, जिनसे उम्मीदें थी कि वो अपनी टीम को जीत दिलाएंगे, लेकिन वो भी टीम के लिए मशक्कत करते नजर आए और भारतीय गेंदबाजों के सामने वो भी ऑस्ट्रेलिया टीम को जीत नहीं दिला पाए और भारतीय टीम ये मैच जीत गई। हालांकि टीम इंडिया वनडे सीरीज पहले ही गंवा चुकी थी, लेकिन क्लीन स्वीप से बचने के लिए टीम इंडिया ने आज पूरा दमखम दिखाया। हालांकि ऑस्ट्रेलिया 2-0 से वनडे सीरीज जीत गई है। अब देखना होगा कि T20 सीरीज में टीम इंडिया कैसी तैयारी करके मैदान में उतरती है और किस तरह से ऑस्ट्रेलिया टीम से बदला लेती है। इस वीडियो को शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।